हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कई लोग मुझे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप थर्ड पार्टी की रीडिंग कर दीजिए। आप में से जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सबके लिए ये रीडिंग्स हैं गाइस। और थर्ड पार्टी क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूँ। पहले आप दोनों में अगर प्यार है और बीच में अगर कोई सिचुएशन आके टपक गई है, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई किसी के पेरेंट्स हो, किसी के लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, किसी का कोई एक्स हो, या किसी के लाइफ में आपके आने के बाद कोई अदर पर्सन आ गया हो या आ गई हो, या आप दोनों में लव है लेकिन ये अलग पर्सन से मैरिड है, आप अलग पर्सन से मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो थर्ड पार्टी कौन है जो लव के बीच में आ रही है। अगर आप दोनों में लव है और आपका पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो वो थर्ड पार्टी हुई, लेकिन आप दोनों में लव और केमिस्ट्री होना मैंडेटरी है। अगर ऐसा है कि आप से आपका पर्सन प्यार नहीं कर रहा है, आपका पर्सन किसी और के साथ अपनी इच्छा से है, तो आप थर्ड पार्टी हुए। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि थर्ड पार्टी आप हैं या कोई और है। ठीक, तो रीडिंग को उस हिसाब से लिया कीजिए। मतलब कि अगर आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, बट किसी मजबूरी के कारण अगर किसी और के साथ है, तो आप थर्ड पार्टी नहीं हुए, तब वो थर्ड पार्टी हुई या हुआ। बट अगर आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हो, आप जिंदा हो नहीं हो, किस हालत में हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी और के साथ मज़े कर रही है या कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं हुई या वो थर्ड पार्टी नहीं हुआ, फिर आप थर्ड पार्टी हुए उस रिलेशन में। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत है जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपके प्यार को समझे, राइट। तो ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम थर्ड पार्टी हम हैं, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। तो मैं एक एक लोगों को नहीं बता सकती, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको रीडिंग शुरू करने के पहले ही क्लियर कर दी कि थर्ड पार्टी कौन है और क्या है। ठीक, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी उनका कर्म भी हो सकता है, काम हो सकता है, वर्कहोलिक नेचर हो सकता है, अब्यूसिव नेचर हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि हर चीज़ में कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को फ्री छोड़ते हैं कि भाई आप अपने लाइफ का डिसीजन अब लेने के लायक हो चुके हो, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे फिर भी उनके ऊपर डोमिनेट करते रहते हैं कि नहीं तुम वही करोगी या वही करोगे जो हम कहेंगे या जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी भी थर्ड पार्टी में काउंट होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं, कोई टेम्प्रोरी एनर्जी जिसकी पे लेकर आपको शक हो रहा है वो भी एक थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, या उनको आप पर शक हो रहा है ये भी एक डेविल एनर्जी है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, तो अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से पूछिए और उसके बाद रीडिंग को उस अकॉर्डिंग आप देखिए। ठीक है, सो इन दो डेक्स को मैं यूज़ करूँगी एनर्जी चेक करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन और जिसको भी आप थर्ड पार्टी समझते हैं उसके बीच में क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो ये हम देखेंगे दोनों डेक से और फिर आपके लिए एनर्जी लेंगे दोनों डेक से। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो कौन सी सिचुएशन है, कौन है थर्ड पार्टी और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है एंजल्स, कौन है थर्ड पार्टी। वाह क्या बात है, यहाँ पे पहला ही कार्ड देखिए थर्ड पार्टी का है, दूसरा कार्ड ब्रेक थ्रू है, तीसरा कार्ड एग्जॉशन है, चौथा कार्ड अगेन पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत ही बुरे हालात हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। और बॉटम से हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स, टोटैलिटी, झगड़े, लड़ाई, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। इस डेक से भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और उनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है, देखते हैं कितनी एनर्जी आती है और क्या क्या एनर्जी आती है। वाह सेम एनर्जी आ रही है, एक कार्ड और आया है, आई थिंक ऐसा लगा मुझे जैसे एक कार्ड और आया है, नहीं आया, चलो ठीक है। तो चार कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड और लूँगी मैं, पांचवा कार्ड बॉटम से द मून। तो पांच पांच कार्ड लिए हैं मैंने दोनों डेक से।
तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। इस डेक से पहला कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप में, दो लोगों में आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी देखिए क्या क्या हो सकती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए क्या क्या हो सकती है, वरना रीडिंग बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो बहुत क्लियर निकल कर आई हैं। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी शक है, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस शक नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी मदर, मे बी बहन, मे बी भाई, अभी शादी नहीं हुई है, लव मैरिज नहीं कर सकते, या हो सकता है लोग, समाज, सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फियर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कास्ट कल्चर या कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ लोग बीच में आ रहे हैं या करियर इशूज़ हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ से भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ से भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये दोनों ही कार्ड सेम हैं और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि डर है, फियर है किसी बात का आपके पर्सन को, ठीक है। सो, यहाँ पर बहुत नॉर्मली एनर्जी आई है। पहला कार्ड थर्ड पार्टी का है, दूसरा कार्ड है ब्रेक थ्रू। यहाँ पर देखिए न्याय तो होगा, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, एंड करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को, लेकिन थोड़ा सा डर है इनके अंदर। हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनके अपने हों, इनके क्लोज वन हों, जहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। बहस भी कर रहे हैं, मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, होपफुल भी हैं कि शायद मान जाएं, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाए, आप दोनों एक हो जाएं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, तो वो इस डर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी आ गई है, वो निकल जाएंगे बाहर इस सिचुएशन से किसी भी तरीके से। बॉटम से हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये कुछ टफ़ डिसीजंस ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो कैसी एनर्जी आई है आप खुद देखिए, थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ढो रहे हैं या ढो रही हैं मजबूरी में, ठीक। अब हम देखेंगे आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। तो एक बार मैं शफल कर लूँ अच्छे से और फिर हम देखेंगे दोनों ही डेक से कि आपको लेकर क्या एनर्जी है इस वक्त। इसे भी शफल कर लूं। चलिए, पहले इस डेक से लिया था ना हमने, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको लेकर उनके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, आपको लेकर आपके पार्टनर्स के दिल में क्या एनर्जी है। यहाँ से आ रहा है लेजीनेस, बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का, यहाँ से ये चीज़ें हैं। इनर वॉइस, प्रोजेक्शंस, टोटैलिटी, वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, कंट्रोल, सेलिब्रेशन, टू ऑफ कप्स एंड द बर्डन। बहुत सारे कार्ड आ गए, बट क्योंकि आ गए तो मैंने ले लिए, वरना मैं नहीं लेती, मैं पांच ही कार्ड लेती। तो काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं आपको लेकर, आपके माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन के माइंड में 24/7 आप चल रहे हो, 24/7 आप चल रहे हो। क्यों बोला ऐसा मैंने, क्योंकि यहाँ पर आया है टू ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है इनर वॉइस, यहाँ पर आया है वी आर द वर्ल्ड एंड यहाँ पर आया है सेलिब्रेशन। ये पांच कार्ड जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनर वॉइस, इनका दिल आपके लिए धड़कता है, इनका दिल हमेशा आपको याद करता है, चाहे किसी के भी साथ हो, डजेंट मैटर आपका पर्सन किसके साथ है, कहाँ पे है, कहाँ पे फंसा हुआ है या कहाँ पे फंसी हुई है, बट उनका दिल आपके लिए धड़कता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है अगर आपका ट्रू लव है तो। यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये आपको अपने लाइफ में अपने फैमिली का हिस्सा समझते हैं, ये कभी आपको अपने आप से अलग समझते ही नहीं है या समझती ही नहीं है।
टेलीपैथिकली भी इवन ये आपको मैसेज सेंड करते हैं, एनर्जेटिकली भी ये आपको मैसेजेस सेंड करते हैं, ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप में से कई लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं मैम कार्मिक सोलमेट क्या होता है? देखिए सोलमेट जो होते हैं, कुछ सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम अच्छे रहते हैं, आपका बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग रहता है। जैसे आप में से कुछ लोगों के ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बचपन से हैं और बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, आपने सुना होगा ऐसी फ्रेंडशिप। या आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते, आपके सुख में भी खड़े रहेंगे, आपके दुख में भी खड़े रहेंगे, बल्कि सुख में आए या ना आए बट दुख में सबसे पहले आएंगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो आपका दुख में साथ ना छोड़ें, बुरे वक्त में साथ ना छोड़ें, वो सब आपके सोलमेट्स होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुख में तो बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत क्लोज अपनापन दिखाते हैं, बट जब दुख आता है तो वही सोलमेट्स कार्मिक में बदल जाते हैं। दैट्स कॉल्ड कार्मिक सोलमेट्स, सोलमेट्स विद कर्मा, कर्मा के अकॉर्डिंग वो लोग आपके साथ अटैचमेंट रखते हैं। तो ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका पर्सन चाहे जैसा भी हो, फिलहाल यहाँ पर आपको लेकर जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में कन्फ्यूजन है, इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से ये बाहर निकलना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स जैसा कि अभी हमने देखा, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। देखिए अभी जो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग की थी उसमें भी आया था किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कहा कि ये कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए कंट्रोल की एनर्जी आई है। तो आपका पर्सन आपके बारे में ये सब सोच रहा है इस वक्त, जब मैंने ये बोला तो 11:33 हो रहा था। थैंक यू एंजल्स। अब आते हैं इस डेक पे, देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी निकलती है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जी है, एक बार क्लेंस कर लूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल में क्या है इस वक्त। आय हाय, सबसे पहले तो बरगंडी निकल के आ गए हमारे। अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, आप मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसीलिए डेविल का कार्ड है। और बॉटम से है वॉन्ड्स, वॉन्ड फायर एनर्जी होती है, फायर एनर्जी मींस पैशन, रोमांस, लव, मैसेज का कार्ड है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताकर कि मेरा जो दो दिन वाला मैसेज वाला वीडियो था वो महादेव की एनर्जी की वजह से मैंने किया था, वो उन्हीं के भरोसे किया था और वो मेरी इज्जत रखे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए हैं, सो जिन्हें भी मैसेजेस आए हैं मेरी तरफ से बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आप सबको, और जिनको मैसेजेस नहीं आए हैं उनके लिए प्रे कीजिए, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। माई गॉड, अभी अगर मैं आपको कार्ड दिखा दूँ तो देखिए ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं, रुकिए यही कार्ड्स थे ना। देखिए यहाँ पर इस डेक से भी सेम कार्ड्स आए हैं, वहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आया था, देखिए यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स है, फिर वहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आया था, यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है, यहाँ भी मूविंग ऑन की एनर्जी है, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड आया था सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर भी सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और वहाँ पर कंट्रोल का कार्ड था बट यहाँ कंट्रोल का कार्ड नहीं आया है, वहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया था पहले डेक से, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, और वहाँ से वी आर द वर्ड आया था विद इनर वॉइस, ठीक है, अपने दिल की सुनेंगे, और यहाँ पर जजमेंट है, ठीक है, और इनकी विश है आपके साथ यूनाइट होना, ठीक है, इनकी विश है आपके साथ यूनाइट होना, यहाँ पर मैसेज का कार्ड है विद डेविल, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। सो मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोगों को मे बी ये कार्ड ना समझ में आया हो, तो इसलिए मैंने आपको एक एक कार्ड्स दिखा दिए कि एनर्जी दोनों डेक से बिल्कुल सेम आई है, बिल्कुल सेम मतलब बिल्कुल सेम। तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे निकलें उस सिचुएशन से जहाँ भी अटके पड़े हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बात तो डेफिनेटली करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। यहाँ पर क्या एनर्जी है दोनों डेक से ये आपने देख लिया, अब हम देखेंगे क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर क्या एक्शन लेने वाले हैं। और थर्ड पार्टी में हैं, कट ऑफ करेंगे, ओके, आना होगा तो वापस आएगा।
कब तक बाहर आ जाएंगे ये भी हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में उनके पार्टनर्स, क्या एक्शन लेंगे। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं और मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। पावर की एनर्जी है, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर टू। यस, नंबर टू की एनर्जी है, विद इन टू वीक्स, विद इन टू डेज। बहुत सारे लोगों के पर्सन का जो थर्ड पार्टी में हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे या बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो अगर सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी उनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर देखिए 99 आया है मेरे लिए। 99 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने के पहले जो एंडिंग होती है ना, वो होता है 99। तो यहाँ पर सॉलिट्यूड एंड शैडो की एनर्जी है, मून एंड सॉलिट्यूड, हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पर्सन कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं सोच समझ कर। क्राउन चक्रा की एनर्जी है। क्यों आया है सॉलिट्यूड नेक्स्ट एक्शन में? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, सफरिंग इन साइलेंस। शैडो क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? शैडो क्यों आया है? मैंने कहा था इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा, देखिए आ गया। ये कट ऑफ करेंगे थर्ड पार्टी को। जय मां सरस्वती। जो एनर्जी आई थी शुरू में, मैंने मेरे मुंह से निकला था कि ये कट ऑफ करेंगे थर्ड पार्टी को, राइट, जब ये कार्ड पहले आया था। और देखिए शैडो के लिए आया है, जो भी इनके लाइफ में डार्कर साइड है, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है, नंबर थ्री की एनर्जी है, वहाँ पे कट ऑफ होगी सिचुएशंस। तो ये जो कुछ भी होगा मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने के अंदर, 2 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, डिपेंड कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी क्या, कौन सी चीज़ है या कौन सा पर्सन है, ठीक है। बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? ये आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए ये टिल देन, जब तक थर्ड पार्टी से नहीं निकल जाते हैं या नहीं निकल जाती हैं, तब तक बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। मदर गाया की एनर्जी है, बैलेंस करेंगे, आपका रिलेशन टूटेगा नहीं चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? मैसेज का कार्ड है और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पूछा मैंने, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ गया है। इन्होंने अगर आपको सेक्रीफाइस किया है दूसरे लोगों की वजह से, बाकी लोगों को प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है, तो अब ये आपको प्रायोरिटी देने वाले हैं या वाली हैं। मैसेज भी करेंगे, इनका थर्ड आई चक्रा भी हील हो रहा है, सक्सेस की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट होके एक्शन लेंगे और रीयूनियन की एनर्जी है, अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे और आपके बारे में सोच रहे हैं। पेशेंस रखिए, रूट चक्र का कार्ड नीचे गिर गया एनीवेज, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। सो से थैंक यू टू मदर गाया। यहाँ पर जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए होगा, जो न्यू बिगनिंग होगी वो आपके साथ होगी और आपके अच्छे के लिए होगी, लेकिन सब्र रखना होगा आपको, सब्र रखना पड़ेगा। और सब्र का फल बहुत लोगों को मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा जिन्हें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अपने दिल से पूछकर वेट किया कीजिए, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति का वेट कभी लाइफ में मत करिएगा जो व्यक्ति आपके बिना खुश है, जो व्यक्ति आपसे मजबूरी में दूर है, आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है, आपको फील हो जाती है उसकी एनर्जी, उस व्यक्ति के लिए आप पूरी ज़िंदगी वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना एक मिनट भी खर्चा मत कीजिएगा जो व्यक्ति आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता या बिल्कुल नहीं सोचती, जिसे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जिसे आपकी केयर नहीं है, जिसे आपकी वैल्यू नहीं है। कई बार ये होता है रिलेशनशिप में कि वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, केयर है, बट साथ नहीं हो सकते, कोई मजबूरी है। बट जहाँ वैल्यू भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, केयर भी नहीं है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, वैसे आदमी के लिए या वैसी इंसान के लिए, वैसी लड़की के लिए कभी भी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस मत कीजिए, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है एज अ गाइड। सो दिस इज़ द रीडिंग टुडे, होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।